नमस्कार, फिर मैं हूँ चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ मारुति सुजुकी के ऊपर। मारुति सुजुकी का जो फाइनेंशियल क्वार्टर जो वन का है, ये है क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2024। यहाँ पे जो आपको नेट प्रॉफिट जो जंप देखने को मिला है वो है 47% का, लगभग 3,650 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मिला है और कितना कितना मिला है। जो 47% का जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखिए जो एक लास्ट ईयर का जो था नेट प्रॉफिट 2,485 करोड़ और इस बार 3,650 करोड़ के आसपास हुआ है। अब जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखने को बहुत मिला है, लगभग 32,326 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल और इस बार 35,531 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, लगभग 9.9% ज़्यादा। क्योंकि बीच में अभी हुआ था कि गाड़ी का दाम भी बढ़ा था, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे भी आपकी नज़र एक अच्छी हो सकती है क्योंकि सबसे जानी मानी एक कंपनी है, बहुत पुरानी, और अभी तो ज़्यादा चल रहा है टाटा मोटर्स क्योंकि ज़्यादा फेमस वही हो रहा है मजबूत गाड़ी बनाने के लिए। तो ये दोनों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। धन्यवाद।